से तोड़फोड़ करके सरकार को बदला गया, वो लोकतंत्र पे और संविधान पे हमला नहीं तो और क्या है? और कैसे हमला करना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं और दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की हर संभव कोशिश के बाद। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अबरार अलहक रहमानी। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को लेकर के एक बड़ी सुनवाई जो है मात्र कुछ घंटों के बाद ही कहें वो होने वाली है, और जाहिर सी बात है कि इस समय जो राजनीतिक माहौल है या फिर कानूनी लड़ाई जो लड़ी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, इस याचिका के दायर करने का सीधे तौर पर मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी पार्टी ये बात अब समझ चुकी है कि भाजपा कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहती है। हाई कोर्ट ने इस पूरी जो है मामले की सुनवाई जो की है और इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या आदेश हो सकता है? दूसरी बात ये दर्शकों की जो है अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है वो भी ख़त्म हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी सुनवाई जो है राउस एवेन्यू कोर्ट में होने वाली है। इस पूरे मामले पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे दर्शकों, लेकिन आइए इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार अब आम आदमी पार्टी का पक्ष सुनवाई से पहले क्या देखने को। जहां जहां विपक्ष की सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र में आपने करके दिखाया, महाराष्ट्र ने जो जिस तरह से तोड़फोड़ करके सरकार को बदला गया, वो लोकतंत्र पे और संविधान पे हमला नहीं तो और क्या है? और कैसे हमला करना चाहते हैं आप? कर्नाटक के अंदर ये किया गया, गोवा के अंदर ये किया गया, मध्य प्रदेश के अंदर ये किया गया, अभी झारखंड के अंदर आपने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया और वहां पर आपने तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। दिल्ली के अंदर आप लगातार कर रहे हैं, पंजाब के अंदर आप लगातार कर रहे हैं। अगर आप इस देश को विपक्ष विहीन बनाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि इस देश में आप एक पार्टी की तानाशाही कायम करना चाहते हैं, यही लोकतंत्र पर हमला है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर के लगातार ये कानूनी लड़ाई जो है वो जारी है। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए नाज़िम मौजूद हैं। समझते हैं कि आखिरकार जो सुनवाई अब होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, इस सुनवाई में क्या अरविंद केजरीवाल को एक नैतिक जीत मिल जाएगी? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हाई कोर्ट से जो फैसले आते हैं उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पलट दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातों को लेकर के अरविंद केजरीवाल हो या फिर उनका पूरा का खेमा हो, कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुना सकता है। क्या ये संभव नज़र आ रहा है? उनको बड़ी राहत क्या मिलने वाली? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, 3 बार चुने गए हैं, और जनता अगर किसी को मुख्यमंत्री के रूप में चुनती है तो सोच समझ कर चुनती है, वोट दिया जा रहा है। तो आप समझिए कि यहाँ पर जो योजनाएं लाई जा रही हैं अरविंद केजरीवाल की, उन योजनाओं को लेकर निशाना यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि राजनीति में अगर कोई उतरता है तो दूध का धुला तो कोई होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी ईमानदार हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मामला ज़रूर आता है, लेकिन खासकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ही घेरा जा रहा है। ये दिखाने की ऐसी कोशिश की जा रही है कि ये भ्रष्ट पार्टी है, जितने भी नेता मौजूद हैं सिर्फ अपनी ही जेब भरने का काम कर रहे हैं, जितने भी नेता हैं वो जनता को झूठ बोलने का काम, उन्हीं के पैसों को अपनी जेब में भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब यही विपक्षी पार्टी गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हुई नजर आई है, जब यहां पर जांच की मांग की बात की गई है, तो इस बात को घुमा दिया जाता है। इस बात पर गृह मंत्री अमित शाह कुछ नहीं बोलते, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। नाता बताया जाता है कि जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से लेकर अब तक यहां पर भाईचारे का रिश्ता देखा जाता है। आज का समय भी देखिए कि गौतम अडानी पर कोई भी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन एक वक्त पर कितना घोटाला, कितना पैसा यहाँ पर LIC के जरिए यहाँ पर देखा गया था, लेकिन उस बात को कोई नहीं उठाएगा। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा कितनी योजनाओं की बात की गई थी, वो योजनाएं कैसे ठप पड़ी हुई हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिन नीतियों को लेकर आ रहे हैं उनमें घोटाले बता दिए जाते हैं और एक एक करके नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। आप मनीष सिसोदिया को देखिए, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो ये तक कहने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं कोर्ट में किसी
किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे आप जमानत दे दीजिए। क्योंकि जब संजय सिंह को जमानत शराब घोटाले मामले में मिल सकती है, जब यहाँ पर उनकी जमानत का विरोध करने से ईडी अधिकारी इनकार कर देते हैं, वो भी 6 महीने बाद जाकर, तो आप मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के मामले में उनकी जमानत का विरोध क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं? ये बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो निचली अदालत में जाएं या उच्च अदालत में जाएं, बात यहाँ पर बनती है कि वो एक ऐसे पद पर हैं जिन्हें आप एक आम नागरिक की तरह उठा नहीं सकते हैं, आप आम नागरिक की तरह पूछताछ नहीं कर सकते हैं या जबरन कोशिश नहीं कर सकते उन पर हक जमाने की, लेकिन यहाँ पर सब चीजें की जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आपने की, तो बिल्कुल यहाँ पर कई ऐसे फैसले होते हुए नजर आए हैं जो उम्मीद यहाँ पर नहीं थी, लेकिन खुशखबरी यहाँ पर सुनाई जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज किया गया था। मामला गुजरात कोर्ट में कितना लंबा चला, यहाँ पर निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत तक चलेगा, लेकिन जिस बात को लेकर जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट आए तो सारी की सारी चीजें खुल गई कि आप किस बिना पर 2 साल की सजा सुना रहे हैं। पूरे मामले पर जो है दर्शकों, एक और रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार अब जो सबूतों को लेकर के मामला फंस रहा है वो कैसा स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। देखिए इस रिपोर्ट की, चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, या 2022 में हुआ एमसीडी का चुनाव हो, कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं और दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की हर संभव कोशिश के बाद आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल को ही वोट देते हैं। तो अब बीजेपी को पता चल गया है, अब इनको पता चल गया है कि ये दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए ये लोग साजिश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए। दूसरा कारण, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जो ये षड्यंत्र हो रहा है वो है अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम, चाहे वो फ्री बिजली देना हो, 24 घंटे बिजली देना हो, फ्री पानी देना हो, बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देना हो, इन लोगों को पता है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, दिल्ली छोड़िए किसी भी अपने राज्य में ऐसी पॉलिसीज को लागू नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा इनको खतरा हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के वादे से, जो इन्होंने दिल्ली की महिलाओं को, अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि हर महीने 1000 रुपए दिल्ली की हर महिला को। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार जो है लंबे समय से पूरी की पूरी कानूनी लड़ाई चल रही है, अब इसको लेकर के आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ।